बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। मेरठ जनपद के सदर बाजार डी बाबा तिराहा के पास देर रात मुठभेड़ में एक लुटेरा धरा गया। दरअसल देर रात चेकिंग के दौरान कुछ लुटेरे पुलिस को देख वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उन लुटेरों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। तभी आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं बाकी दो बदमाश अंधेरा का फायदा उठा के मौके से फरार हो गए। सीओ कैंट हरि मोहन के अनुसार इन बदमाशों ने बहुत सी चोरियां की है। वहीं घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस, चोरी की गई एक पल्सर T20 मोटरसाइकिल, थापर नगर की घटना में लूटे गए 22,000 रुपए का कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है सीओ कैंट हरि मोहन का। ये तपेश्वर सागर एसओजी इंचार्ज और विजय गुप्ता जो थाना अध्यक्ष सदर जो चेकिंग में मामूर थे बदमाशों की, अचानक जो है तीन बदमाश भागे, संदिग्ध थे, इनका पीछा किया गया तो इन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा भी फायर किया गया तो उनकी जो है एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, बाकी दो साथी उनके भाग गए हैं, जिसको अस्पताल के लिए भेजा गया इलाज के लिए। उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है जो अभी 27 तारीख को एक सोनू कुमार नाम के आदमी से 1,00,000 रुपए की लूट की गई थी। उसमें वो बाइक का प्रयोग हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज़ आई हुई है उसमें, और उससे संबंधित जो करीब 22,000 रुपये बरामद हुए हैं और पैन कार्ड आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। नहीं, कोई इनाम नहीं था, नहीं अच्छा अपराधी था। ये अली नाम है इसका, ये घोषी मोहल्ला थाना लालकोटी क्षेत्र रहने वाला। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।